ग्वालियर संभाग की क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर नीलम सक्सेना ने शनिवार को जिला अस्पताल मुरार के जच्चाखाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव, सिविल सर्जन डॉक्टर आर के शर्मा एवं संभागीय बायोमेडिकल इंजीनियर मनीष मिश्रा मौजूद रहे। बीते दिनों जच्चाखाना मुरार में घटित घटनाओं के कारण स्वास्थ्य विभाग की छवि को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद व्यवस्थाओं में सुधार करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय संचालक द्वारा निरीक्षण किया गया। जच्चाखाना मुरार में कई बार पैसों के लेनदेन का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वहीं कुछ दिन पहले लेबर रूम इंचार्ज को इन शिकायतों के चलते हटाया गया था, लेकिन एक बार फिर उन्हें लेबर रूम का इंचार्ज बनाया गया है। हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा ने जब क्षेत्रीय संचालक डॉक्टर नीलम सक्सेना से बात की तो डॉक्टर सक्सेना ने बताया कि जल्द ही जच्चाखाना मुरार में व्याप्त समस्याओं को दूर किया जाएगा। इसीलिए हम आज यहाँ राउंड पे आए हैं, तो पूरा ही राउंड लिया है हमने। एंटीनेटल वार्ड देखा है, लेबर रूम देखा है, पोस्ट नेटल देखा है, तो कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएँ थोड़ी नज़र आ रही हैं, जिसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। जो कमियाँ हैं वो हम देख रहे हैं, लिख भी रहे हैं, नोट कर रहे हैं, उसको सिविल सर्जन और सीएमओ के साथ बैठ के उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और जो भी स्टाफ है, कुछ स्टाफ ऐसा है कि बिना बताए अनुपस्थित हो जाता है, या जहाँ स्टाफ की ज़रूरत नहीं है वहाँ से शिफ्ट करके जहाँ ज़रूरत है वहाँ भेज रहे हैं। तो इसी तरह से अभी थोड़ा टाइम लगेगा, एक दो दिन, और व्यवस्थाएँ हम सुधार दें। कोशिश तो पूरी रहेगी, और फिर सिविल सर्जन के ऊपर है, क्योंकि कंट्रोल, मेन कंट्रोल तो उन्हीं का है, उनको व्यवस्थाएं सुधारना है। हम देख सकते हैं और उनको मार्गदर्शन देख सकते हैं उस बारे में। देखिए, मौतें वैसे तो होती हैं, लेकिन लापरवाही से नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटल की लापरवाही नहीं होना चाहिए उसमें। ये बहुत ही ज़रूरी है कि ऐसे, चलो ठीक है, कोई पेशेंट सीरियस आया, अपन मैनेज कर रहे हैं, उसको टाइम से सुविधाएं मिल रही हैं, फिर भी कभी मौत होती है तो बात अलग है, लेकिन अब किसी स्टाफ की या डॉक्टर की लापरवाही से मौत नहीं होना चाहिए, इस पर पूरा पूरा ध्यान रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जांच करा के, टीम्स द्वारा जांच करा के, और अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई होगी।